देखिए ओम बन्ना जी का बुलेट, इनको यहाँ पे बुलेट की पूजा होती है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 6। तो आज अभी हम लोग हैं टेंट में। ये देखिए हमारे टेंट के पीछे का पूरा व्यू है। कुछ टेंट बनने का काम इनका जनरली होता है, बट इस टाइम इन्होंने कम रखा है, ये सब बना के नहीं रखे हैं इन्होंने। इस झाड़ के पीछे, पेड़ के पीछे देखिए कुछ और टेंट है, ये किसी दूसरे रिजॉर्ट के हैं। और उन्हीं टेंटों के पीछे एक पहाड़ी दिख रही है, उसके पीछे पूरे सैंड ड्यून्स है। तो वहाँ आप इवनिंग में जनरली सैंड ड्यून्स का मज़ा लेते हैं। ठीक है, मिला जुला के अच्छा था, शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी अच्छा था। तो अभी आज हम लोग निकलेंगे जोधपुर के लिए, बट बीच में बाबा रामदेव पीर का एक मंदिर आएगा रामदेवड़ा में, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं, सवेरे तो थे यहाँ पे कनोई में डेजर्ट कैंप में, फिर आए थे, अभी हम लोग जा रहे हैं जोधपुर, जैसे मैंने लास्ट क्लिप में बताया था। और अभी जैसलमेर से आगे पहुँच रहे हैं, रामदेवड़ा आएगा करीब। रामदेवड़ा यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, और रोड तो आप देख ही रहे हो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, एकदम जबरदस्त रोड है, ट्रैफिक बहुत कम है। बाबा रामदेव पीर के मंदिर में आ गए हैं, काफ़ी भीड़ है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन को, लेट अस सी। अंदर की लाइन देखिए, बाहर ये है, लाइन में चल रहे हैं। मंदिर में चल रहे हैं हम लोग अभी लास्ट, अभी क्या है कितना है पता नहीं, अभी कितना है। भीड़ तो काफ़ी कुछ है, जैसे देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। जय बाबा रामदेव। जय हो, बोलो बाबा जी। अभी हम ऑलमोस्ट जोधपुर पहुंच गए हैं, तो अभी रास्ते में एक लेक आई है, काफ़ी फेमस लेक बोलते हैं इसको, कैलाना लेक। तो आइए मैं आपको नज़ारा बताता हूँ उसका, रास्ते में ही आई है तो सोचा देख लेते, चलो। वाह, बढ़िया नज़ारा है, एकदम बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये देखिए वहाँ से वाटरफॉल जैसा पानी आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे वाटरफॉल जैसा पानी आ रहा है, पानी भरते जा रहा है। इसको और भी देखते हैं, आइए थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पे बोटिंग होती है, ये जिप लाइन भी होती है, देखिए ये देखिए जिप लाइन जा रहे हैं, थोड़ा नीचे जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे बोटिंग भी चालू है, द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग, आज है अपने ट्रिप का 7th डे। कल हम शाम को जोधपुर आ गए थे,
और इतने थके हुए थे कि मैंने आपको कुछ वीडियो वगैरह नहीं बताया, ना ही कुछ आगे का रूम का ट्रिप करवाया। तो अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अभी अपने राजस्थान के घर जा रहे हैं। मैं आपको रूम का एक बार टूर करा देता हूँ, जिस रूम पे रुके थे, चंद्रा इम्पीरियल, अच्छा है। जिस होटल पे रुके थे, अच्छी होटल है, और मैं आपको नज़ारा भी बताता हूँ। ये रूम से एंट्री मारते ही ये मिरर एंड वार्डरोब वगैरह आ जाता है, आप देख लीजिए। ये रूम से अच्छी रूम है, थोड़ी बिखरी हुई क्योंकि हम चेकआउट कर रहे हैं अभी। डिसेंट है, प्यारी सी है। ये एक्स्ट्रा बेड हमने लगाया हुआ था, ये वर्क स्टेशन है, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत होती नहीं। और ये यहाँ से बालकनी से व्यूज़ है, ये देखिए। थोड़ा सनलाइट की वजह से प्रॉपर नहीं दिखेगा आपको ये। और यहाँ कहीं पे एयरपोर्ट है, जोधपुर एयरपोर्ट, ये देखिए। ये अच्छी सी रूम है, रिसेंट स्टे, फूड भी अच्छा था इसका। चलो निकल चुके हैं जोधपुर से, ये जा रहे हैं हम लोग सुमेरपुर। करीब 2 घंटा लगेगा, पौने तो 2 घंटा लगेगा, 125 किलोमीटर दूर है। और पाली सिटी आएगी, पाली सिटी के पहले एक ओम बना का टेम्पल है जो हम आपको बताएंगे, जो काफ़ी फेमस है बाइक राइडर्स के लिए। आप समझ सकते हो एक तीर्थ स्थल जैसा बन चुका है, तो उस मंदिर के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और बीच में आप रोड के नज़ारे देखते रहिएगा। ये देखिए ओम बना टेम्पल का नज़ारा, अभी हम लोग दर्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इनकी हमेशा ज्योत जलती रहती है, ओम बना की। यहाँ पे देखिए ओम बना जी का बुलेट, इनको यहाँ पे बुलेट की पूजा होती है और इनको बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये बाइकर्स के लिए एक तीर्थ स्थान है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पर बाइक की पूजा की जाती है। इनके पीछे हिस्टोरिक इवेंट है, कहानी है, आप गूगल विकिपीडिया पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आएगा सुमेरपुर का। ये देखिए ट्रैक्टर चलते हैं और ये फिदाइन देखिए रिक्शे वाला,
को पता नहीं क्या है, बस उल्टे घूमना है, उल्टे आना है। लोगों खुद की लाइफ तो रिस्क में डालेंगे, लोगों की लाइफ भी रिस्क में डालेंगे। ये देखिए बड़ा सा बोर्ड है लेफ्ट में सुमेरपुर। सो हियर कम सुमेरपुर। अभी हम लोग सुमेरपुर में एंट्री मारे हैं। बाईपास है जो राइट में जाता था, वो पूरा बाईपास है, बाईपास रास्ता है ये सिटी का। ये पुराना हाईवे है, पहले यहीं से सभी ट्रक्स वगैरह सब जाती थी, लेकिन जब से वो NH 48 को बाईपास में मीरपुर को बाईपास दिया तब से कन्वर्ट किया है, तब से यहाँ पे खाली इंटरनल व्हीकल्स चलते हैं। ठीक है चलो अभी घर पे जाके मिलते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड सुमेरपुर। दो घंटे की सवा दो घंटे की ड्राइव करके अभी हम लोग पहुँच गए हैं। करीब 11:30 को पहुँच गए थे, बट उसके बाद काफ़ी नींद आ रही थी तो सो गया था, और सोने के बाद में थोड़ा सा काम था वो मैंने काम कर लिया था। एक LIC ऑफिस जाना था वो कर लिया, और अब घर का ही मैं आपको एक छोटा सा टूर बताता हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। मेरा ससुराल है एक्चुअली, तो देख लीजिए आप। ये घर में एंट्री मारते ही यहाँ पे इन्होंने बना के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है साले साहब ने। ये देखिए उनका लिविंग रूम है, ये किचन है,